फ्रेंड्स, मैं रोशनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बादाम के बारे में। बादाम, जिसे अंग्रेजी भाषा में आमंड भी कहा जाता है, यह ड्राई फ्रूट दिखने में छोटा सा है, लेकिन इसके फायदे कमाल के हैं। बादाम का पेड़ पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। इसके तने मोटे और इसकी पत्तियाँ लंबी, चौड़ी और मुलायम होती हैं। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में बादाम के पेड़ बहुत होते हैं। बादाम कुल दो किस्मों में होती है, पहला कड़वी, दूसरा मीठी, जिनमें से हमें कड़वी बादाम उपयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं। बादाम की तासीर गर्म होती है। दोस्तों, बादाम का उपयोग तो हम कई तरीकों से करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बादाम के तेल के अपने ही अलग फायदे हैं। जैसे पुरुषों में बादाम का तेल इस्तेमाल करने से उनकी पौरुषेय शक्ति बढ़ती है। बादाम तेल के सेवन से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। बादाम तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, बादाम खाने के और भी कई फायदे हैं, तो अब जानते हैं उनके बारे में। रोजाना भीगे हुए बादाम खाने से बाल मजबूत होते हैं, साथ ही लंबे और स्मूथ भी बनते हैं। बादाम में अन्य पोषक तत्वों के अलावा स्टेपिंग ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होते हैं, जो डायबिटीज से बचाव करता है। बादाम में मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर सामान्य रखने में मदद करता है। बादाम कैल्शियम और फॉस्फोरस का भी अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए फायदेमंद है। रोज सुबह बादाम खाने से हमारी ओवरईटिंग कंट्रोल होती है, जिससे शरीर में फुर्ती बनी रहती है और मोटापा कंट्रोल होता है। दोस्तों, जिस तरह बादाम खाने के काफ़ी सारे फायदे हैं, उसी तरह उसके अधिक सेवन से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो आप जानते हैं उसके बारे में। बादाम के अधिक सेवन से कब्ज और पेट में सूजन इत्यादि हो सकती है। जिन लोगों को पित्ताशय व गुर्दों से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बादाम से एलर्जी है, उन्हें भी इसके सेवन से बचना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन को भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस भी इसी तरह से देख सकें। तो अब चाहती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।